भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को अचानक घर पर बुलाकर जनता से की अपील। कहा कि इंदौर में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लोग लापरवाह ना बरते, कुछ लोग पार्टियां कर रहे हैं, उन लोगों की गलती की सजा पूरा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही प्रशासन को दिया सुझाव, कहा कि जो नियम का उल्लंघन करे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। बता दें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहर में लॉकडाउन लगे इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। और क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाथ जोड़कर इंदौर वासियों से अपील की है कि शहर को बर्बाद होने से बचाएं। कुछ लोग नियमों को तोड़कर शहर को बर्बाद कर रहे हैं। अधिकारियों को कहा है कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही करें। शहर के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों और डॉक्टर सहित सभी ने इंदौर को बचाने के लिए काम किया, लेकिन कुछ लोगों के कारण इंदौर में फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने शहर के लोगों से निवेदन भी किया कि जरूरतमंद लोगों को मास्क का वितरण करें, उनकी मदद करें। नहीं है अभी समझाइश की आवश्यकता है, प्रशासन को कड़ाई की आवश्यकता है, और हम सब लोग जो समाज के अंदर काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो कम से कम समाज में इस प्रकार का वातावरण बनाए। आज मैं सामाजिक संगठनों को भी मैंने कुछ फोन करके बोला है कि कई गरीब बस्तियों में मैं गया तो लोगों के पास फेस कवर नहीं थे, मास्क नहीं थे, तो कपड़े से जिस प्रकार मैं बांधता हूँ वैसे कपड़े बांधें। पर बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सुरक्षित रखना, और कुछ सामाजिक संगठनों से मैंने कहा है कि मास्क बांटें, फेस कवर बांटें। आज आकाश जी ने भी तय किया है कि अपने विधानसभा में 2-1 लाख फेस कवर बांटेंगे, विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर बस्तियाँ हैं उसके अंदर। बाकी आपके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी स्थिति में इंदौर पहुंच गया है, COVID-19 से बाहर निकला है, पर फिर मुझे खतरे के निशान दिख रहे हैं। इसलिए आज मैंने अधिकारियों से भी बात की है, जो तैयारी प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए वो कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से भी बात की है। पर मैं ज़रूर आग्रह करूँगा, क्योंकि कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसलिए मैंने रात में आप लोगों को तकलीफ दी है। कल मुझे दिल्ली में मीटिंग है, 4 महीने बाद इंदौर छोड़ रहा हूँ, तो